स्वागत है। और आज पूरे ही राजनीतिक जगत पे खलबली मची हुई है क्योंकि तीन नए कृषि कानूनों को वापस करने का ऐलान किया है पीएम मोदी ने, जिसके बाद सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और अब आपको सुनाते हैं किसान नेता राकेश टिकैत और सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, तीन कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाड्डू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंघू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है, उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है आदिवासी है वो मानने वाला नहीं है, तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। और अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। जिस सरकार के मंत्री के बेटे ने उनके पति को कुचला, जो प्रधानमंत्री उसी दिन, शायद उसके अगले दिन लखनऊ आए, या शायद उसके एक दो दिन पहले लखनऊ में थे, लखनऊ से उनका घर 15 मिनट में पहुंच सकते थे हेलीकॉप्टर में, वो क्या सोच रहे होंगे कि ये प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नहीं आए, कुछ बोला नहीं, वो आज माफी मांग रहे हैं। जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं, उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हैं, उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। सुनील भराला मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्य मंत्री हैं। तो सुनील जी, जिस तरह से आज ये बड़ा ऐलान किया गया है, आप किस नजरिए से देख रहे थे? हाँ, आ रही है मुझे आपकी आवाज। तो आज जो ये बड़ा ऐलान किया गया है पीएम द्वारा, तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये बड़ा जो है काम किया है जी, आपको मैं बताता हूँ इस बात को, आपका ध्यान में वही ले जाता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री ने उस समय एक बात कही थी जब ये किसानों के प्रतिनिधि मंडल और मंत्री से मिले थे, हमारे कैबिनेट मंत्री से मिले थे, और विभिन्न मंत्रियों से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप उनसे वार्ता कर लो, कृषि मंत्री भारत सरकार से।
तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे विषय को समझा था और उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की थी कि हमने ये किसानों के हित में काम किया है जी। आप इसको स्वीकार कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और उन्होंने आपका मैं ध्यान देना चाहता हूँ उस समय का जी। उन्होंने ये भी कहा था कि केवल इस आंदोलन पर बात करने के लिए और खत्म करने के लिए एक टेलीफोन की सुनील जी, लेकिन किसानों के हित पे ध्यान देने के लिए एक साल लग गया, काफी ज्यादा लंबा समय नहीं है ये? के पहले पूरी बात मेरी आप कर लें कि उन्होंने कहा था लेकिन वो दूरभाष से किसी ने वार्ता उनसे की नहीं थी। आज यानी कि उनसे पिछले दिनों दूरभाष से भी वार्ता हो रही है और उनको वो उसको लोग मिल भी रहे, बता भी रहे हैं। तो वो ऐसे बड़े हृदय के सम्राट हैं कि जो किसानों की पीड़ा समझते हैं। अगर किसानों ने ये कहा कि भाई हम इस कानून को चाहते ही नहीं, तो उन्होंने इस किसान आंदोलन को खत्म कर दिया, तीनों कानून वापस ले लिए। उन्होंने तो सस्पेंड तो उसी समय कर दिए थे, लेकिन सस्पेंड करने के बाद में किसान थोड़ा सा उस बात पर हट कर गए, बाल हट के खत्म ही करो खत्म ही करो, तो उन्होंने खत्म भी कर दिए। तो प्रधानमंत्री जी का ऐसा कोमल भाव है, हृदय है, प्रधानमंत्री जी जो सबके हित में बात करने वाले हैं, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के गरीबों के घर देने से लेकर के सब पे चिंता करने वाले हैं, तो वो किसानों को नाराज क्यों करते हैं? तो ले लिया है प्रधानमंत्री ने, लेकिन जो किसान इस प्रदर्शन के दौरान मर गए हैं, तो उनके किसानों उनके परिवारों के बारे में क्या सोचेंगे अब? देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी का बड़ा हृदय है, उन किसानों का ये उनको इस बलिदान का बड़ा दर्जा मिला है, उन्होंने तीनों कानून को वापस कराया है जी। और प्रधानमंत्री जी ने वो श्रेणी उनको दे दी है, तो आप समझिए किसानों के लिए कितना बड़ा काम कर दिया उन्होंने जी। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी को मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई। सुनील जी, अभी भी किसानों की बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई है। ये तीन नए कृषि कानून को तो वापस ले लिया गया है, लेकिन एक मांग और थी MSP की, तो उसके ऊपर क्या विचार है? क्या उसके ऊपर भी सरकार विचार करेगी? देखिए वो तो हमारे जो कृषि मंत्री भारत सरकार के हैं, उन पर सारा उनका वो एक जुडिशियल क्षेत्र आता है, तो कृषि मंत्री भारत सरकार से किसानों का प्रतिनिधिमंडल बात करता ही रहता है हमेशा, और वो किसानों के लिए काम ही करते हैं। उन्हें लगता है कि ये किसानों के हित में है, उस बात को रखते हैं, ऐ हित में वो बात रखते हैं। हमारे भारत सरकार के मंत्री से विचार करेंगे, उस पर निर्णय कर लेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री जी का जो काम था उन्होंने वो पूरा कर दिया, मैं बधाई देता हूँ। क्या है इस पे क्या कहेंगे? क्या सच में सरकार अहंकार में थी और झुकना पड़ा है चुनाव की वजह से? भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कभी अहंकार में काम नहीं करता है, किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में, झुग्गी झोपड़ी बस्ती के हित में, गरीबों के हित में, सर मजदूरों के हित में हमने यात्रा चलाई। आपने देखा उस दिन, आपने पूरा दिन भर चलाया था उसको, कि उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बना भारत के अंदर कि जिन्होंने श्रमिकों को उसको धार्मिक और पर्यटन यात्रा कराने का काम किया है। तो आप अहंकार की बात कैसे कह सकते हो कि हम जब उस वर्ग के बारे में चिंता करते हैं, झुग्गी झोपड़ी बस्ती के परिवारों की चिंता करते हैं जी, हमारे प्रधानमंत्री उनको घर उनको छत देने के काम करते हैं, तो अहंकार का शब्द आपका बिल्कुल गलत है, इसको लाना ही नहीं चाहिए आपको। सुनील जी, ये मेरा शब्द नहीं है, ये विपक्ष का शब्द है, और विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है बीजेपी पे और कई तरह के आरोप भी लगा रहा है कि काफी देर कर दी है इस फैसले को लेने में, कई जो किसान थे वो शहीद हुए हैं उनके बारे में भी विचार करना चाहिए, और जो बाकी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं किसान, वो चाहे खाद की समस्या हो या फिर फसल का सही दाम ना मिलना हो, तो इस पे भी चर्चा करने की बात कही जा रही है, तो क्या इस ओर ध्यान दिया जाएगा सरकार द्वारा? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शिखा मेहरोत्रा है। शिखा जी, एक बात मैं आपको बताता हूँ, विपक्ष के बारे में आपने कहा कि ये बात विपक्ष कह रहा कि ये अहंकारी है जी, तो मैं विपक्ष को कहना चाहूंगा कि वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जी, एसी में से निकल नहीं पा रहे हैं, ट्विटर पर राजनीति कर रहे हैं। अगर जनता की पीड़ा है, जनता का कोई समस्या है, तो आपने देखा होगा आदि आदि काल के अंदर जी, भगवान राम भी भेष बदल करके जाते थे, राजा होते थे जब,
और प्रजा का दुख समझते थे, जनता का दर्द समझते थे, फिर उसको क्रियान्वयन करते थे। तो हमारे प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं, वो जो काम में मतलब जाते हैं सब जगह से जानकारी ले लेते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं और फिर उसका निस्तारण करते हैं। लेकिन जो विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं कि वो भी जनता का दुख तक जाने, दुख तक जनता का जानेंगे नहीं, वहीं से बता रहे कि एंकर ही है भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री इस प्रकार के देशभक्त हैं एकदम से, कि देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। जी एक सराहनीय काम है जो पीएम मोदी ने आज किसानों के बारे में सोचा, एक साल तक जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उसके बारे में सोचा। और हम ये भी चाहेंगे जो किसान है जो अपना दर्द हमें बता रहे हैं और हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, उस ओर भी सरकार ध्यान दे, किसानों की जो दिक्कतें हैं उसको भी समाधान करने की कोशिश करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। इस खबर पर हमारे साथ सुनील भराला जी जुड़े थे, राज्य मंत्री। तो लगातार किसान खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे। पीएम मोदी के इस बड़े ऐलान के बाद, जो आज बड़ा ऐलान किया है, उसके बाद से ही किसानों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। तो पीएम मोदी के संबोधन के बाद जहां किसानों